हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। पिछले व्लॉग में मैं आपको दिखा चुकी हूँ, यसडी स्कूल है और नेरवा से हम निकल चुके हैं। अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, 4:30 हुए हैं और हम जा रहे हैं अपने बुआ के घर। बहुत दिनों से प्लान था उनके घर जाने का, क्योंकि उनके जो सास है उनके मायके में कोई ट्रेजेडी हुई थी तो हमें उनसे मिलने जाना था। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। हम जा रहे हैं बरानू। तो बरानू के बीच में जितने भी छोटे छोटे से स्टॉपेज आएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारी छोटी सी जर्नी को। और ये शिकार से थोड़ा आगे जाकर एक बहुत अच्छा यहाँ पर फर्नीचर का स्टोर है, कभी मैं इसका विजिट आपको करवाऊंगी। और हम जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ियाँ मिलती जा रही हैं हमें। वो जगह जहाँ तक हम वॉक के लिए आते हैं 2 किलोमीटर। ओह माय गॉड, इसने इतनी बाहर ले गया है। ये मेरी फ्रेंड का घर है सामने, पिंकी का, निरंजन शर्मा उसका नाम है। वो शिमला में एक स्कूल में वो भी टीचर है। तो बचपन में हम काफ़ी यहाँ आया करते थे और आप देख सकते हो गाड़ियाँ धुलने के लिए नदी में गई है। हम पहुँच गए हैं राणा क्यार। राणा क्यार में मारुति का शोरूम भी है गाड़ियों का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मुझे इतने कलीग दिख गए, वो वेव कर रहे थे। बहुत ही अच्छी ये जो बिल्डिंग बनी है 2019 में, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई थी और ये सारे बड़े बड़े पत्थर और इसके साथ लगते हुए मकान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आए थे तो कईयों का घर बह गया, कईयों का किचन बह गया साथ में। आप देख सकते हो वो सामने वाला घर, उनका पूरा किचन चला गया था इस बाढ़ में। और ये यहाँ पर एक नया पेट्रोल पंप ओपन हुआ है, अच्छा है, लोगों को फैसिलिटी हो गई है काफ़ी, नहीं तो दूर दूर तक यहाँ पेट्रोल के लिए जाना पड़ता था। दोनों साइड पे नेरवा में इक्वल डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप है, आप लाल पानी जाओ या फिर राणा क्यार आओ, आपके लिए ऑप्शंस है। और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन चुकी है राणा क्यार में भी, पहले एक आधा कहीं कहीं घर छोटे छोटे दिखा करते थे, लेकिन आज आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बन गई है, काफ़ी डेवलप हो चुका है राणा क्यार भी। ये सामने द्वाडा दिख रहा है, एक छोटा सा स्टॉपेज है, छोटी सी मार्केट है, लेकिन मिलता सब कुछ है। आप देखेंगे कितने अच्छे शॉप्स यहाँ पर हैं और व्यू तो आप इंजॉय कर सकते हो। नीचे नदी, नदी तो काफ़ी सूख चुकी है, पानी नहीं है नदी में। ऊपर ये घर और ऊपर पहाड़, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं आप।
जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है। पहले छोटे छोटे घर यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन आज हर छोटा छोटा सा जो गांव है बहुत डेवलप हो रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हर जगह बन रही है, देख सकते हैं। मेरे ताऊ जी का घर है। ताऊ जी तो अब नहीं रहे, ताई जी भी दीदी के पास चले गए हैं। तो जब भी यहाँ से आते जाते हैं तो मुझे बचपन की बहुत याद आती है। मैंने यहाँ पे बहुत वक्त गुजारा है और हम लोग ज़्यादातर नदी में ही अपना टाइम स्पेंड करते थे, बहुत स्विमिंग करते थे। मैं, मेरी दीदी की बेटी मीनाक्षी, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और हम बहुत इंजॉय करते थे। और आज बादलों को देख के लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, पर शायद, क्योंकि काफ़ी बार बादल आ चुके हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और हम पहुंच चुके हैं कुठार। कुठार में बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। एक तो यहाँ पे ये मदरसा है, यहाँ पे कुरान पाक की पढ़ाई की जाती है। बोर्डिंग स्कूल है ये मुस्लिम भाइयों का, यहाँ पे बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं उनकी तालीम होती है। और साथ में ही यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यहाँ पर 6 to 12th एडमिशन होती है बच्चों की। बहुत ही अच्छा स्टेशन है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो मेरी बहन, मेरी देवरानी संगीता का घर है। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा ट्रैवलिंग के चलते क्लियर नहीं हो पा रहा। तो बहुत अच्छा है, हम कई बार वहाँ पे जाते हैं। और साथ ही आपको ये जो गांव दिखाई दे रहा है, ये मेरी फैमिली वालों का गांव है, मेरे मायके वालों का। पहले क्या होता था कि जो ये नदी के किनारे पे हमारी लैंड थी, यहाँ पर धान उगाया जाता था और छोटे छोटे से घर बना दिए जाते थे रेस्ट करने के लिए, जिनको दोगरी बोला करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ फैमिलीज यहीं आके बस गई। जैसे किसी के 3 बेटे हैं तो 1 बेटा यहीं रहने लग गया, तो वैसे ही ये धीरे धीरे करके गांव बन गया। ये हमारे गांव है, ये सब जितने भी घर है, ये मेरे चाचा, ताऊ, कोई भतीजे, उन सब ने आगे आगे घर बना दिए। मेरे पापा के भी यहाँ पे खेत हैं बीच में, जो सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये अब धान की खेती कम और यहाँ पे कैश क्रॉप ज़्यादा लग रही है, लाइक टमाटर और एप्पल की नर्सरी यहाँ पे उगाई जा रही है। सेब के प्लांट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, फिर उनको सेल आउट किया जाता है। तो अब लोगों के सोर्सेस बदल रहे हैं, अब धान बहुत कम लगता है और बाकी जो कैश क्रॉप है वो ज़्यादा लग रही है। और ऊपर का जो एरिया है वो मेरे मायके का एरिया है,
मेरे पापा वरों का घर उधर है, पुश्तैनी जो हमारा घर है, लेकिन अभी अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा है उस तरफ, सनसेट हो रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा। और थोड़ी दूर पे हमारी बुआ का घर है, और अब हमारा एरिया भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, जगह जगह पेट्रोल पंप, और ये देखिए भारत गैस का एक स्टोर यहाँ पर है, कभी भी हमें ज़रूरत है तो हम ले सकते हैं। और सामने मेरे एक स्टूडेंट का घर है, आमिर का। आमिर मेरा मुस्लिम स्टूडेंट है, लेकिन हमेशा जब भी मिलता है मेरे पैर छूता है, लेकिन पॉलिटिशियंस ने और ऐसे ही तोड़ने के लिए बनाए हैं ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। मैं उसकी हिंदू टीचर हूँ, मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि मेरे पैर छू, लेकिन वो जब भी मिलता है हमेशा मेरे पैर छूता है। तो ये आप क्या कह सकते हो, ये प्यार ही है, ये इज्जत ही है जो हम एक दूसरे को देते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं बुआ जी के घर, और बुआ जी के घर के सामने के खेत में लगे हुए हैं टमाटर, और ये उनका घर। अब मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाऊँगी, और पेड़ में इतने ब्यूटीफुली ये डब्बे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को इतना अच्छे से डेकोरेट किया है, ये आप देख सकते हो सामने। और एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि अगर हम चाहें तो खूबसूरती कहीं भी ला सकते हैं। तो अब मैं इसके आगे आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी हम किसी और मकसद से हम वापस चल पड़े हैं नीरवा की ओर। तो ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, ये वही मेरे मायके के घर। और हम पहुंच गए नीरवा, और ये साइंस ब्लॉक है, प्राइमरी स्कूल है, बीआरसी ऑफिस है, और नीरवा का ट्रैफिक, नीरवा का जाम, ट्रैफिक जाम देख ही पा रहे हो आप। अब इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है रोड पे और मार्केट, और जहाँ से हमें क्रॉस करना था यहाँ पे दो रोड्स हैं, एक शिमला जाती है और पीछे से बायफर्केट हो जाती है जिकने पुल, और ऊपर जाती है शिमला यहाँ से 3-4 किलोमीटर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक रोड जहाँ पे ये बस लगी हुई है, ये जा रही है हॉस्पिटल की तरफ और नीरवा टू की तरफ, और साथ ही थोड़ा सा 0 पॉइंट से जहाँ से हम टर्न होंगे वो हॉस्पिटल जाएगी, और ऊपर की रोड रुसला जाएगी। और बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ से निजात मिली इस ट्रैफिक से, और हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। नीरवा टू में हमारा घोंसला है, वहीं हमें जाना है। तो देखिए आप हमारा रोड कितनी बुरी हालत में है, बड़े बड़े सी इमारतें बन गई है, ये हार्डवेयर के शोरूम्स हैं, और पीछे ये जो शाक रोड जा रहा है इसको बोलते हैं, और यहाँ पे पुल है। पुल के बाद थोड़ा सा आगे जाने पर हमें एक टर्न मिलेगा, और ये हम ले चुके हैं अपने हॉस्पिटल रोड की तरफ। और हॉस्पिटल रोड इतना बुरी हालत में है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। देखिए ये अभी तक मेटल नहीं हुआ है, जबकि इतनी ज़रूरत है। जब भी थोड़ी सी बारिश आती है ऊपर से सारा मलबा नीचे आ जाता है, और ये अक्सर ब्लॉक हो जाता है। तो हम पहुंच गए बगासन, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बगासन दिखाया था कि लोग यहाँ पे आते हैं गर्मियों में, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चलती हैं बहुत, क्योंकि छोटे मोटे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी है। और आगे से आपको दिखेगा हमारा नीरवा टू, और नीरवा टू के साथ आपको नीरवा वन पूरा नज़ारा आप ले सकते हो। देखिए इतनी बुरी हालत इस रोड की है, जगह जगह गड्ढे पत्थर, बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। और ये है हमारा नीरवा, और ये हमारा हॉस्पिटल रोड, यहाँ
बहुत ज़्यादा इसमें मैंने क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड किया है तो आप इतने कटे नहीं देख पाओगे। ये हमारा घर जो कि अभी थोड़ा प्रॉपर उसमें नहीं है, अभी एक फ्लोर उसका मेंटेन करना, और ये पहुंच गए हम घर। और घर से अच्छा क्या हो सकता है, आते वक्त हम सब्जियां भी ले आए थे 2-3 दिन की, तो अभी सबको भूख लगी थी तो सोच रहे थे कुछ खाया जाए, तो पापा और बेटा प्लान